किया होगा ना, तब सिर्फ पैसे क्यों नहीं दोगे? अड़तीस महीने का किराया लेने बुजुर्ग ने 38 बार शिकायत, फिर भी नहीं हुई सुनवाई। कलेक्टर ने बाबुओं को फटकार लगाई। पिछले 38 माह से मुझसे किराए पर ली गई संजीवनी क्लिनिक का भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी शिकायत 181 पर लगा चुका हूं और सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत लंबित थी। सीएमएचओ को कई पत्र दे चुका हूं, ना तो जनसुनवाई में शिकायत का समाधान हुआ और ना ही कोई जवाब आया। इसलिए परेशान होकर दोबारा जनसुनवाई में आया हूं। यदि कार्रवाई कर देंगे तो मुझे बुजुर्गों को बार बार किराया मांगने परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस शिकायत जब जवाहर कॉलोनी निवासी मुन्नालाल भार्गव ने कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी से की, तो उन्होंने तुरंत सीएमएचओ डॉ पवन जैन को निर्देश दिए कि वह संबंधित बाबुओं को बुलाकर निराकरण कराए। दरअसल 78 वर्षीय बुजुर्ग मुन्नालाल भार्गव ने आरोप लगाया है कि मार्च 2019 में अनुबंध अनुसार उनका संजीवनी क्लिनिक का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। जुलाई 2023 तक यहां पर क्लिनिक का संचालन हुआ है और विभाग ने अब तक एक भी रुपया नहीं दिया है, जिससे उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने सुना तो उन्होंने तुरंत सीएमएचओ से कहा है कि जिन बाबुओं को ये जिम्मेदारी दी गई है उन्हें बुलाएं। उनके साथ ही बुजुर्ग ने कहा कि उसे सीएमएचओ ने 21 सितंबर 2023 को आश्वासन दिया था कि 3 दिन में इसका निराकरण हो जाएगा। तब से लेकर अब तक 6 महीने का समय हो गया है। ऐसे में शिकायत करने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया, अब उसका पैसा उसे कैसे वापस मिलेगा? पीड़ित के आवेदन पर तुरंत बाबुओं को बुलाकर शिकायत का समाधान करने के निर्देश कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने दिए हैं। मुन्नालाल भार्गव, कहाँ से आयो? जवाहर कॉलोनी शिवपुरी। क्या कुछ समस्या लेके आयो आप कलेक्ट्रेट में? आयो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो 38 माह से किराया नहीं दिया है स्वास्थ्य विभाग ने। 38 आवेदन दे चुका हूँ, मुख्य सचिव, भोपाल, कलेक्टर, कमिश्नर को कई बार आवेदन दे चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं। आज माननीय श्री कलेक्टर महोदय ने सुनवाई कर इनको भुगतान के लिए कार्रवाई के लिए कहा गया है। क्या चाहते हो आप आगे? जैसे आपकी कार्रवाई नहीं होती, आप क्या करोगे सर? मैं आंदोलन करूंगा, आंदोलन के बाद में भूख हड़ताल, और अगर कोई नहीं सुनता है तो न्यायालय की शरण लेना पड़ेगी। जिसको आपसे किराया लेना है वो कौन है, कौन लोग हैं वो? स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ डॉक्टर पवन जैन, हाँ, अकाउंटेंट, और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधक और अकाउंटेंट महोदय जिम्मेदार है। कब से आपको किराया लेना है? कब से लेना है किराया आपको? अक्टूबर 2020 से 38 माह।